तुम्हारा बेटा जोरबा तुम्हें पुकार रहा है। अपनी काली बिजलियों को मेरी धमनियों में गोंदने दो। अपनी असीम शक्ति से मुझे सींच दो। अपनी काली ऊर्जा मेरे अंदर भर दो। मैं इस दुनिया पर छा जाना चाहता हूं। मैं सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहता हूं। आओ आओ मदद करो। आओ मदद करो। किसने मेरा ध्यान भंग किया? नमस्ते जी, मेरा नाम खुराना है। मैं खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। माफी चाहता हूँ मालिक, गलती मेरी नहीं है। मैंने इन्हें बहुत रोका लेकिन ये जबरदस्ती अंदर घुसा है। गलती माफ हो मालिक। तुम चुप रहोगे ना, मुझे बोलने दोगे कि नहीं? देखिए, कल मेरे 7 साल बेटे की सालगिरह है। मैं उसके मनोरंजन के लिए आपको हायर करने आया। तूने मुझे सड़क का मदारी समझ रखा है। अपने 2 कौड़ी की दावत के मनोरंजन के लिए तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। इतना पैसा देखा है कभी तुमने? तू मुझे इससे खरीदना चाहता है। मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। अगर तुम्हें यह कम लगता है तो ऐसी 2 पेटियां बाहर मेरी गाड़ी में और रखी है। बोलो क्या बोलते हो? कीमत पूछता है। बताता हूं, तूने मेरा ध्यान भंग किया है। मैं तुझसे कीमत लूंगा। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी दे सकता हूं। बोलो क्या चाहिए? तेरी मौत, यही कीमत है। मेरी मौत? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तेरी मौत। मालिक, ये क्या किया आपने? इसे हटाओ यहां से। इसकी हड्डियों को तेजाब में डाल दो ताकि ठीक से गल जाएं। और इसकी गाड़ी को यहां से दूर छोड़ाओ। जाओ। और आइंदा तभी किसी को अंदर आने दिया तो तेरी खैर नहीं, समझा? जा। जी मालिक। जो मेरा ध्यान भंग करेगा पछताएगा। मुझसे कोई जीत नहीं सकता। मैं सबसे ताकतवर हूँ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू योर मनपसंद चैनल LCA, यानी कि लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर, नाम बताओ? सही पहचाना आपने, रूप कुमार जी। रूप कुमार जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन जुबिली सुपरस्टार है और हाईएस्ट पेड एक्टर भी। कहीं इनकम टैक्स वालों ने तो नहीं सुन लिया ना? तो रूप कुमार जी, एक जमाना ऐसा था जब आप सुपरस्टारों के सुपरस्टार थे, सुपरस्टार आजम। पर अब वो जमाना नहीं रहा। आपकी 5-5 फिल्में फ्लॉप हो गई है और आपके नाम से आजकल फिल्में भी नहीं चलती। इसका रीजन? ये आपकी गलत खबर है। कौन कहता कि मेरी 5-6 फिल्में फ्लॉप रही है? भाई सुहागरात ने तो बहुत बिजनेस किया। हाँ, बहुत नहीं रूप कुमार जी, थोड़ा बहुत। और वो भी माफ कीजिएगा, आपके उस फिल्म के गाने बहुत हिट थे। मैं जानता हूँ कि गाने बहुत हिट थे, लेकिन उसमें एक्टिंग किसने की थी? मैंने ही ना। और मेरी दूसरी फिल्म जान का दुश्मन लीजिए, वो भी बहुत चली, बहुत बिजनेस किया उसने। एक मिनट। बॉम्बे टेरिटरी में पिछले हफ्ते 36% कमाए, दिल्ली में 41% कमाए, मतलब फ्लॉप ही हो गई ना। ये आपके कहाँ के स्टैटिस्टिक्स है? ये कहाँ के? अरे पटना में तो हाउसफुल रहे, बकौला में भी हाउसफुल रहे, ठीक है मेट्रो सिटीज में थोड़े से नहीं रहे, लेकिन इससे क्या? भाई मैं आम जनता का एक्टर हूँ, 8 फिल्मों का एक्टर नहीं हूँ मैं। लेकिन आम जनता भी आजकल आपकी फिल्में नहीं देखती और रोमांटिक हीरो वाली इमेज आपकी एकदम धुंधली सी पड़ गई है। क्या बकवास कर रही है आप जानती है किससे बात कर रही है? आपकी पिछली हीरोइन वो रोहिणी, हाँ उसने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि वो पूरी शूटिंग के दौरान आपको अंकल अंकल करके बुला रही थी। देखिए यार, आपकी बकवास में टॉलरेट नहीं करूंगा। आप जानती हैं, आप मुझे यहाँ पर इंटरव्यू करने आई है, मेरी इंसल्ट कर जाएगा। एक बात तो पूछना मैं भूली गई,
आपकी 3 फिल्में नहीं तैयार हुई है जो कि कैन में ऐसे ही पड़ी है क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहा है। देखिए आपके बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा, जल्दी जाइए जाइए ऐसे, गेट आउट गेट आउट। ए ए यू गेट आउट सर, आप तो ये थे फिल्म एक्टर रूप कुमार जो पर्दे पर नायक, तो क्या असली जीवन में खलना है और कब तक, ये तो समय ही बताएगा जो उन्हें छोड़कर काफी आगे निकला जा रहा है। लेकिन रूप कुमार जी अभी तक सर चिंता मत कीजिए, इस प्रोग्राम को कोई नहीं देखता, इसकी टीआरपी नहीं है, इसलिए जो कुछ हुआ किसी ने नहीं देखा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है लेकिन तुम आइंदा कभी लेके नहीं आना इनको मेरे पास, कभी नहीं आना। आप तो सर कल की मीटिंग के बारे में सोचिए, डेडिया साहब के साथ कल मीटिंग है 10 बजे, बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं वो, और मैंने सर उड़ते उड़ते सुना है कि वो रोल बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सर ये रोल आपको मिल जाए तो बस। हाँ सुना तो मैंने भी है, मैं भी चाहता हूं कि रोल मुझे मिल जाए। आप समझ नहीं रहे रूप भाई, ये रोल आपका है ही नहीं। डेढ़िया भाई 15 साल के अपने करियर में मैं पहली बार किसी के पास रोल मांगने आया हूं, रूप कुमार खुद आपके पास रोल मांगने के लिए आया। देखिए आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूसर ऐसा होगा जो आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, लेकिन आप रोमांटिक हीरो हैं और मेरी फिल्म का रोल जो है एकदम नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव। मुझे मालूम है, मुझे आपकी स्टोरी का आइडिया भी मालूम है। आइडिया? ये रोल मुझे पसंद है इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। लेकिन ये रोल 100% विलन का है, ना हीरोइन है ना गाने हैं, ऐसे रोल में पब्लिक आपको कैसे स्वीकार करेगी? स्वीकार करेगी, करेगी क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस रोल को अलग तरीके से पेश करूंगा। अपना विलन कोई मामूली विलन नहीं होगा, उसका एक अपना स्टाइल होगा। स्टाइल? मैं कुछ समझा नहीं भाई। अपना विलन शेरा अलग तरीके से काम करेगा, वो शुरू में 3 वार्निंग देगा, पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग और तीसरी वार्निंग, उसके बाद वो फिर स्ट्राइक करेगा। 3 वार्निंग, उससे क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा, सस्पेंस बिल्ट अप होगा, यहां शिकार को मालूम होगा कि मौत उसका पीछा कर रही है, वो पहली वार्निंग के बाद में घबरा जाएगा, दूसरी वार्निंग के बाद में वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगेगा, और तीसरी वार्निंग के बाद में वो डेस्परेट हो जाएगा और शहर को छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, तब शेरा उस पे वार करेगा। शेरा जो कहता है करता है, ही इज अ सुपर विलन। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, आइडिया में दम है। थैंक यू डेढ़िया, थैंक यू। लेकिन लेकिन क्या रू भाई, क्या है कि मैं इस रोल के लिए किसी और को कह चुका हूं, ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं, अगली फिल्म मैं आपके साथ करूंगा पक्का। डेढ़े भाई मैं जानता हूं कि मैं फ्लॉप हो चुका हूं, लोग मुझे अब हीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी पिछली 5 फिल्में जबरदस्त फ्लॉप रही है, आप लोगों को बहुत खटा सहना पड़ा है, इसलिए मैं अपना ट्रैक चेंज करना चाहता हूं, मैं हीरो से विलन बनना चाहता हूं। डेढ़े भाई, डेढ़े भाई मैं किसी के पास काम मांगने गया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है मुझ में, हिम्मत को जुटाने के लिए मैंने थोड़ी सी पी ली है, लेकिन नहीं मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं हूं, माफी चाहता हूं। देखे भाई मुझे ये रोल पसंद है, मैं इसको बहुत अच्छा करूंगा, मेरी जिंदगी का ये बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। हाँ हो सकता है कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सका हूं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और सोचूंगा और आपको आके कन्विंस करूंगा, क्योंकि इस रोल पे मैंने हाथ रख दिया, कल फिर आऊंगा। अरे मर गया, 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 मर गया
चली जा रहा मैं तो आपको जानता तक नहीं। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे किसी को नहीं करता। अरे आपको पैसे चाहिए तो तिजोरी से ले लो, नहीं जानता लो नहीं पहचाना ना बढ़िया भाई। रुक कुमार जी, मैंने बड़े बड़े कलाकार देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। मैं कन्विंस हो गया कि इस रोल को पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। रुक कुमार जी, रुक कुमार है शेरा, जिसका आधा चेहरा और आधा शरीर एक बम विस्फोट में झुलस गया है। उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि दिमाग भी सड़ा हुआ है। इस दुनिया का खूंखार और खतरनाक दरिंदा शेरा। बस हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसा लगा मेरा एक्टिंग का प्रोश? सर रोल आपका हो गया। ओहो, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था रे भाई। थैंक यू वेरी मच, मुझे मालूम था ये रोल मेरा ही है। मुबारक हो सर, मुबारक हो। थैंक यू परेश। अच्छा बाकी की बात है आप परेश से कर लीजिएगा। परेश मैं बंगले में इंतजार करता हूँ। बिल्कुल सर। ओके डेडी साहब, थैंक यू। ओके सर, सी यू। तो डेडी साहब रोल आपने रूप कुमार जी को दे ही दिया। हाँ भाई देना ही पड़ा, बहुत सिंसियर आर्टिस्ट है, बस जरा संभालना। हाँ निश्चिंत रहिए, बिल्कुल। बस आप तो मुहूर्त अब बहुत जल्दी से निकलवा लीजिए। मुहूर्त तो इस पिक्चर का एक ही आदमी करेगा, जिसने मेरी सारी पिक्चरों का मुहूर्त किया है और मेरी सारी पिक्चरें सुपर हिट रही हैं, वो है महान तांत्रिक सोरबा। मैं नाम बता दूं। परेश सर, एक घंटा ऊपर हो गया, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कहाँ है वो तुम्हारे? रूप कुमार जी। रूप कुमार जी सर, वो अभी अभी मोबाइल पर बात हुई है, वो आते ही होंगे बस। अरे कब आएंगे? सर आप तो जानते हैं रूप कुमार जी, रूप कुमार जी, रूप कुमार जी, रूप कुमार जी। लेकिन ये जोरबाजी महाराज, जोरबाजी महाराज, इनका क्या करूँ, इनको क्या कहूँ? अरे अभी तक तो मूड ठीक है, अगर मूड बिगड़ गया तो मैं क्या करूँगा? देखता हूँ। आपके ये हीरो साहब कब आएंगे? अब बस मैं और ज्यादा देर नहीं ठहर सकता महाराज, बस पहुंचते ही होंगे, बस पांच मिनट और रुकिए, मैं अभी ला दूं। ओ हो, रूप कुमार जी इज हियर। ये तो पहले से ही पिए हुए लग रहे, जरा संभाल लें। भाई क्या हम 5 करोड़ की फिल्म कर रहे हैं और ये लो बजट फिल्म की तरह पार्टी दे रहा है। भाई कंजूस हो गया, तो मौत कंजूस हो गया। परेश जी इनको नींबू पानी पिलाऊं? अब बेटा नींबू पानी। हां परेश हम ओके ओके। तेरे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुझे बहुत बड़ी पूंजी हासिल होने वाली है। आश्चर्य मत कर, ये सच होगा। तेरे सपने में कोई ऐसा ही व्यक्ति आया है। ये सब लोग बहुत वहां क्यों जा रहे हैं? शांत रहती है लेकिन अंदर से। कौन है वो आदमी? महाराज बहुत बड़े तांत्रिक है, बड़े पहुंचे हुए इंसान है, बड़ी मुश्किल से यहाँ आए। अरे पार्टी मेरे पिक्चर की है, है? और लोग वहां जा रहे हैं, मैं भी देखूंगा कौन है वो तांत्रिक। तुम लोग पागल हो गया क्या? रूप कुमार खुद इधर खड़ा है तुम लोगों के सामने और आप लोग इस ढोंगे के सामने खड़े हो। मुझे ढोंगी कह रहा है? तू मेरा अपमान कर रहा है। कौन थे ये व्यक्ति? मुझे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अरे मैं रूप कुमार, सुपर स्टार रूप कुमार, इस देश की जनता की आंखों का तारा। मुझे पूछ रहा है कि कौन है? जंगल से आया तू? हाँ तू जोरबा के सामने खड़ा है नादान बालक, अपनी जुबान को लगाम दे
वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या क्या लगा तू? क्या क्या लगा? अरे ये कॉस्ट्यूम पहन के तो कोई भी तांत्रिक बन सकता है। बस तूने यहां बुलाकर मेरा अपमान किया है, मैं यहां सब तहस तहस कर दूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा महाराज। महाराज ये अनजाने में आपका अपमान कर बैठा, ये होश में नहीं है। क्षमा महाराज, क्षमा। अरे रे भाई, ये क्या इस ठोंगी के पैरों में गिर के अपने नाक को लगा रहे हो? ये घड़िया ट्रिक तो कोई भी कर सकता है, रास्ते का जादूगर भी कर सकता है। तुम क्या समझते हो मैं डर जाऊंगा तुमसे? हां तू होश, तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बड़ा अभिनेता बनता है, तू अपने अहंकार की कीमत चुकाएगा। तूने जो मेरा अपमान किया है उसका पूरा मूल्य चुकाना होगा। तू अपने आप को बहुत बड़ा अभिनेता समझता है, ठीक है, तू अपने ढंग से मूल्य चुकाएगा। याद है, दिलों का बादशाह रूप कुमार अपने एक नए रूप में शेरा बनकर लोगों के दिलों में आतंक पैदा करेगा, आतंक पैदा करेगा। तूने मेरा अपमान किया है रूप कुमार, मैंने तुझे वचन दिया था कि अपनी पूरी कीमत वसूल करूंगा। अरे घर में कोई है कि नहीं है? ये लाइट क्यों आप रखी है? लगता है पिक्चर देख लिया होंगे सब। ये क्या? रूप कुमार जी, ये पहली चेतावनी है आपका शुभचिंतक। ये कमजोर तुमने शेरा के लिए खरीदा, मजाक है? अरे भाई शेरा के लिए जो हमने खंजर खरीदा था वो यहां मेरी कुर्सी में किसी ने छुपाया है, और साथ में कुछ एक नोट है चेतावनी का। हाँ क्या आपको नहीं मालूम? नहीं 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 डेढ़ा भाई, दारू नहीं, मैंने आज दारू को हाथ नहीं लगाया डेढ़ा भाई। क्या अच्छा आपको कुछ नहीं मालूम? ठीक है, सॉरी हाँ इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं चिंता मत कीजिएगा, मैं खुद कल पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मैं हाँ देखता हूँ मैं। ओके गुड नाइट। हाँ मुझे तो नहीं लगता ये कोई सीरियस मामला है मिस्टर रूप कुमार। अरे मुझे जान की धमकी दी गई और आप कह रहे हैं कि ये सीरियस मामला नहीं है? देखिए मिस्टर रूप कुमार, मैं समझ सकता हूँ, एक नई फिल्म लॉन्च हुई है तो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, तो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो चाहिए ही ना। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? लेकिन हो सके तो अगली बार पब्लिसिटी के लिए कोई नया रास्ता इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जब मेरी लाश मिलेगी तभी आपको यकीन होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। ये तो आज मेरे घर में हुआ, कल अगर बाहर होगा तो। सर 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 छोड़िए सर, जाने दीजिए, मुझे लगता है ये किसी पागल या फिर सिरफिरे का काम हो सकता है। नहीं सर, 12 बज रहे हैं, वहां शूटिंग पर 10 बजे से सब लोग वेट कर रहे हैं, चलिए ना प्लीज। क्या बकवास डिजाइन है ये, बिल्कुल बकवास। यार मैंने सामान मंगा रखा है आधे से ज्यादा, सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा एडजस्ट करो ना यार, तुमको तो एक्टिंग करनी है, सेटबैक से क्या तुमको लेना है? क्या एडजस्ट करो डेडिया भाई, अरे हम लोग 5 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, कोई 5 रुपए की फिल्म थोड़ी बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये सेट कैंसिल, नया बनवाएंगे। ठीक ये हुई ना बात।
अगर ये मेरे पर गिरती मैं तो मर ही जाता। रेडियो भाई किसे किया ये? कौन है ऊपर? अरे रो भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको चोट नहीं आई। अरे लाइटमैन कौन है ऊपर? तो कोई नहीं। देखिए कितनी भारी है, अगर मेरे सर पे गिर गया तो मेरा तो सर ही भर गया होता। देखिए ये, देखिए। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? रूप कुमार, तुम्हारी दूसरी चेतावनी, तुम्हारा शुभ चिंतक। मुझे इंस्पेक्टर गोरबोले से फौरन बात करनी है। अब डरने की कोई बात नहीं, चार गार्ड्स पोस्ट कर रखे, दो घर के सामने और दो पीछे, कोई अंदर नहीं आ सकता। आप इत्मीनान से सो जाइए। मुझे ज्यादा गार्ड्स नहीं मिल सकते क्या? देखिए मिस्टर रूप कुमार, ये पुलिस फोर्स है, किसी प्राइवेट बॉडी गार्ड्स की कंपनी नहीं। और चार भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जिद कर रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। हाँ हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मेरी जान खतरे में है, मुझे चाहिए बॉडीगार्ड्स। देखिए, लाइट आपके सर पर नहीं गिरी, जहाँ पर आप खड़े थे वहाँ से काफी दूर पर लाइट गिरी थी। अगर लाइट मेरे सर पे गिरते तभी आप छानबीन करते क्यों? आप तो सामने ही थे ना, यदि किसी को आपको सचमुच ही मारना था तो जरूर मार सकता था, लेकिन उसने आपको नहीं मारा। उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये उसकी दूसरी वार्निंग थी। ठीक वैसी वार्निंग ना जैसे आपके शेरा वाली फिल्म में दी जाती। देखिए मिस्टर रूप कुमार, मुझे तो ये किसी घटिया बी ग्रेड फिल्म की कहानी लगती। गुड नाइट मिस्टर रूप कुमार। सुनो, ठीक तरह से पहरा देना, ओके? और अंदर जो रूप कुमार बैठा है ना उस पर भी जरा ठीक तरह से ध्यान देना, ओके? Ha ha ha.